सो हेलो गाइस गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और मैं हूँ आपका भाई अमान। तो एक बार फिर से आ गए एक नई वीडियो लेके, नया कंटेंट लेके, जो कि अपनी FZ के ऊपर है। FZ 150, अपनी नेक्स्ट लेवल डीमन, जिसका एक्चुअली जो फ्रंट नंबर प्लेट है वो कंपनी की तरफ से ऐसी जगह लग के आती है जहाँ वाइजर लगता है तो थोड़ी दिक्कत करता है, मुझे तो अच्छा लगता नहीं। सो मैंने डिसाइड करा कि क्यों ना यामा MT की तरह, जैसे MT की नंबर प्लेट लाइट के नीचे लगती है सोकर के पास, ऐसी अपने नेक्स्ट लेवल डिमांड में जुगाड़ करा जाए। तो ऐसा ऑप्शन तो नहीं आता, ऐसी कोई फिटिंग भी नहीं आती कंपनी की तरफ से, बट ये इंडिया है मेरी जान, यहाँ जुगाड़ चलते हैं तो जुगाड़ करेंगे। सो MT की जो फ्रंट नंबर प्लेट की क्लिप होती है वो हम इसमें लगाएंगे और फ्रंट नंबर प्लेट हैंग करेंगे और आपको दिखाएंगे देखिए कैसे करते हैं। अगर आप सब भी करना चाहेंगे अपनी FZ में तो आप भी लगा सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि फ्रंट नंबर प्लेट ऊपर से नीचे सोकर के पास कैसे लगती है। तो उसके लिए पहले हमें चलना पड़ेगा यामा के शोरूम सर्विस सेंटर। एक्चुअली यामा के सर्विस सेंटर में मैंने 20 दिन पहले वो क्लिप ऑर्डर करी थी, बट वो अभी तक नहीं आई। तो मैंने किसी के थ्रू गूगल मैप से कैसे भी कर करूँ कि एक आउटसाइड डीलर से वो क्लिप अरेंज करवाई है, और वो क्लिप अरेंज हो चुकी है। उनका फ़ोन आया था और वो फ़ोन आ चुका है और देख सकते हैं आप कि अभी भी उनका फ़ोन आ रहा है। वो बोल रहे हैं कि सर आपकी क्लिप आ चुकी है, तो हम जा रहे हैं वो क्लिप लेने। उस क्लिप को लेके हम सीधा चलेंगे फिर किसी नियर बाई वर्कशॉप पे, जहाँ हमें वो फिटिंग करवानी है बाहर से। उसको करवाने के बाद फिर हम फ्रंट में नंबर प्लेट का कवर लगा कर नंबर प्लेट हैंग करवाएंगे नीचे की तरफ। सो इसी के साथ चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट लेवल डीमन पर, मिलते हैं। सो गाइस, ये रही अपनी नेक्स्ट लेवल डीमन, तैयार है। थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि एक्चुअली दिल्ली में बारिश रुक नहीं रही है, बारिश के मौसम की वजह से बहुत ख़राब है। तो जो मैं बता रहा था वो ये है कि वाइज़र के लगाने के चक्कर में ये जो फ्रंट नंबर प्लेट है हम इसको यहाँ से निकलवा के सी इस जगह पर लगवाएंगे जहाँ पर MT की लगी होती है। तो ये ऑप्शन नहीं आता, कंपनी कोई फिटिंग रिकमेंड नहीं करती, बट हम इसका जुगाड़ करेंगे। सो इसी के साथ बाइक स्टार्ट है, चलते हैं, पेट्रोल डलाते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे लग सकती है नंबर प्लेट। डीमन रिजम में लग चुकी है। सो नए ब्लॉक की शुरुआत करते हैं। बारिश के मौसम की वजह से जगह जगह कीचड़ है और बहुत गंदगी हो रही है। 10 दिन, मतलब कभी 2 घंटे कभी 3 घंटे ऐसे बारिश पड़ी रही है 10 दिन से, और इस 10 दिन के अंदर अंदर मैंने 2 बार गाड़ी को वॉश करा लिया, पॉलिश कर लिया, बट उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बारिश रुक नहीं रही, डीमन गंदी पे गंदी हो जा रही है, तो इसलिए मैंने अभी वॉशिंग नहीं कराई। सो अभी चलते हैं और मिलते हैं अपने भाई से, आपको दिखाते हैं कि MS 200 आ चुकी है और उसकी एक टेस्ट ड्राइव लेंगे। चलेंगे वहाँ तक जहाँ पर है अपना ऑथराइज डीलर का शोरूम। पेट्रोल डलवा लिया है, चलते हैं। मेरा छोटा भाई जुबेर इंतज़ार कर रहा है NS 200 पे। रोड क्रॉस करते हैं, मज़ा आने वाला है, टेस्ट ड्राइव लेंगे NS 200 की। सो गाइस, फाइनली आ चुकी है NS 200, देख सकते हैं बट अ ब्यूटी। एक 200 cc बीस्ट है, बहुत पावर है यार। तो सीरियसली BS3 गाड़ी है तो पावर तो और ज़्यादा मिलने वाली है इसके अंदर। सुपर गाड़ी है, बरसात की वजह से थोड़ी गंदी हो रही है, ना मैंने वॉशिंग कराई है ना जुबेर भाई ने। सो अपनी नेक्स्ट लेवल खड़ी है, दोनों बाइक तैयार। तो इसी के साथ हम चलाने वाले हैं NS 200 और जुबेर भाई अपनी नेक्स्ट लेवल डिमांड चलाएंगे। सो चला के देखते हैं कि कितनी पावर है इसके अंदर, मज़ा आने वाला है बहुत। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ NS 200 और यार सीरियसली पावर बहुत है यार इसके अंदर, पावर की कोई कमी नहीं है, मतलब मज़ा आ रहा है यार, देख सकते हैं। इंजन में से भी कोई अलग साउंड नहीं है, जैसे लगता है कि इंजन मतलब खड़ता हुआ है अच्छा। और जुबेर भाई ने गाड़ी ली थी एक्चुअली 17,000 चली हुई, 900 किलोमीटर इन्होंने चला दी है, 18,000 चलने वाली है गाड़ी, 17,000 चली हुई। दो इस
इसका जो प्राइस है ओनली 60,000, 60,000 रुपये में जुबेर भाई को ये गाड़ी मिली है अपने दिल्ली करोल बाग से, और मुझे लगता है कि इनका फ़ायदे का सौदा हो चुका है। और सीरियसली बता जाऊँ गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है इसे चलाने में। अभी पावर मैंने चेक नहीं करी है, बहुत जल्दी इसकी पावर भी चेक करेंगे। सो मैं फर्स्ट टाइम NS200 चला रहा हूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे सेटल होने में, उसके बाद फिर हम पावर चेक करेंगे इसकी पावर कैसी है। और ये देखिए, नेक्स्ट लेवल डीमन जा चुकी है। सीरियसली गाइस, फ़ोन यहाँ पर हैंग कर लिया है, गूगल मैप चालू कर लिया है, 18 किलोमीटर यहाँ से दिखा रहा है अथॉरिटी डीलर शोरूम। और अभी मैंने इसकी पावर चेक करी थी, कैमरा एक्चुअली ऑन नहीं था। यार भोकाल मचा दिए बे, बहुत पावर है, मज़ा आ रहा है यार सीरियसली चलाने में बहुत। और ऐसा भी नहीं है कि हैंडलिंग में प्रॉब्लम हो रही है, इजली यार सिर्फ 5 मिनट लगे गाड़ी पूरी तरीके से हाथ में बैठ गई। और पावर इतनी सुपर है इसके अंदर कि मुझे छठा घेर डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, दिल्ली में तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, एक्चुअली 5वां 5th घेर डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है। मज़ा आ रहा है बहुत, तो दिल्ली का ट्रैफिक, ये गर्मी, और ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सुपर मैन, एकदम भौकाल मचा दिए बे, मतलब फुल टोटल दे रहा है, सुपर पावर है यार, मज़ा आ गया। बस ये साइड मिरर्स में थोड़ी दिक्कत हो रही है व्यू देखने में, विजिबल नहीं हो पाया अपना, इतना विजिबल नहीं है इसमें, थोड़ी दिक्कत हो रही है। लुक बहुत बड़ा होता है भाई, लुक अच्छा आता है। हाँ सीरियसली बीच के बड़े अच्छे लग रहे थे इंडिकेटर वाले, सेम इंडिकेटर्स है वाले लगवाएंगे, मॉडिफिकेशन करवाएंगे दोनों में, और अपने व्यूवर्स को एक अच्छी सी कंटेंट वाली वीडियो बना के दिखाएंगे। सो फाइनली गाइस, 30 किलोमीटर चलने के बाद अपने घर से तब जाकर ये पड़ता है नोएडा में, यामा का अंबुज ऑटोमोबाइल। 30 किलोमीटर चलने के बाद आए हैं हम यहाँ पर, और देखते हैं यामा MT की फ्रंट नंबर प्लेट की क्लिप वो मिलती है, उसे लेके चलते हैं फटाफट और जुगाड़ करवाते हैं। गाइस क्लिप ले ली है और मैं आ चुका हूँ अपने बाप से नेक्स्ट लेवल डीमन पर, और इसी के साथ ही चलते हैं अब सीधा दिल्ली वापस। बहुत दूर जाके मिली है गाज़ियाबाद में, और अब सीधा दिल्ली वापस चलते हैं, और चलते हैं अपनी विराट मार्केट। विराट मार्केट में जाने के बाद इसका काम करवाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसका काम होगा। R15 V4 सुपर गाड़ी है मैन, बट कहीं ना कहीं हैंडलिंग की वजह से बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, तो दिक्कत है। सो गाइस फाइनली आ चुके हैं विराट मार्केट, नेक्स्ट लेवल डीमन ये खड़ी, और इसमें हमें जो काम कराना वो हम आपको बताएंगे। इससे पहले देख सकते हैं विराट पे मार्केट है RNGW के नाम से, हेलमेट्स और मॉडिफिकेशन होती हैं यहाँ पे। सो गाइस ये है MT की क्लिप, यहाँ नंबर प्लेट हैंग होती है और हम इसको इधर से कटवा देंगे, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम कटवाएंगे इसको, और कटवाने के बाद इस पोस्चर को और इस पोस्चर को सीधा कर देंगे एकदम। आइए पहले इसकी कटिंग करवा के और सीधा करके फिर आपको दिखाते हैं। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी कटिंग करा ली है और ये हमने काट के स्ट्रेट करवा ली है, ये एकदम सीधी हो चुकी है। और सीधी होने के बाद अब हम चलते हैं इसको टाइट कराने के लिए अपनी FZ में। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अपनी MT की क्लिप लग चुकी है, जो कि यहाँ का ये देखिए, ये पेच खोल के और ये साइड का पेच खोल के इन्होंने ये रिपीट लगा दी, और यहाँ पर अब फ्रंट पर नंबर प्लेट लग जाएगी, यहाँ से खुल के इधर लग जाएगी, तो जब लग जाएगी तब आपको दिखाते हैं। सो फाइनली गाइस देख सकते हैं नंबर प्लेट लग चुकी है नीचे, और यहाँ से अपने वार्सल और पेच वापसी लग चुके हैं, और नंबर प्लेट हमने खुलवा के नीचे लगवा ली, लगे हाथ कवर भी लगवा लिए, और देख सकते हैं नीचे अच्छा खासा गैप है, ताकि जो अपना
फोकर हैं या नंबर प्लेट है वो लगेगी नहीं आपस में, अच्छा खासा गैप मिल चुका है। तो ये जुगाड़ आप भी करवा सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पर ये पेच लगे हुए हैं, यहाँ पर मैंने टाइट करवा लिया इन्हें खुलवा के, और यही इस साइड है सेम चीज़, आप ये टाइट करवा सकते हैं। और ये नंबर प्लेट की पत्ती को हल्का सा यहाँ पर आके आप थोड़ा सा बैंड कर लीजिए, ताकि ये चीज़ आपकी जब थोड़ी नीचे होती है वो थोड़ी सी ऊपर उठ जाए। इस पोस्चर को हल्का सा बैंड करवा लीजिए ऊपर की तरफ। तो ये लग चुकी है नंबर प्लेट, आप देख सकते हैं। तो भाई जैसा कि आप देख सकते हैं नंबर प्लेट निकल चुकी है, कितना अच्छा लग रहा है, फ्री फ्री सा लग रहा है। अब जल्द ही NS200 एंड FZ150 की मॉडिफिकेशन होगी, दोनों में पैसा लगेगा अच्छा खासा, जेब ढीली होगी हमारी। ये नंबर प्लेट नीचे इसलिए लगा गई है ताकि जो मैंने वाइज़र सोच रखा वो वाइज़र मैं यहाँ पर लगवाऊँ और उस पर अपनी गोल्डन टिपिंग करवाऊँ। कुछ चीज़ें मैंने सोच रखी हैं, मतलब छोटी मोटी मैंने मॉडिफिकेशन पहले करा दी थी और अब थोड़ी और करानी है। तो सारी मॉडिफिकेशन कराने के बाद मैं आपको उसका टोटल खर्चा बताऊंगा वो कितना आ रहा है। जितना मुझे लग रहा है कि कम से कम मैं आपको एक बढ़िया, एक बेहतरीन देखने लायक FZ मॉडिफिकेशन मिल जाएगी। बहुत मिडिल क्लास बंदे के लिए वो बहुत इजी हो जाएगा कराना, क्योंकि मैंने भी अभी तक जितनी मॉडिफिकेशन कराई ज़्यादा खर्चा करा नहीं है, और आगे जितनी मॉडिफिकेशन कराने वाला हूँ उसमें भी मैंने ऑलमोस्ट सब प्राइसों को निकाल के देखा तो ज़्यादा खर्चा होने वाला है नहीं। सो बहुत अच्छी रेंज में आपको मॉडिफिकेशन मिलेगी देखने को, और NS200 FZ दोनों की मॉडिफिकेशन करेंगे हम। बहुत जल्दी हम करोल बाग जाने वाले हैं, टाइम निकाल कर बड़ी मुश्किल से टाइम निकला तो हमने ये काम कराया, और इस काम में जो टोटल खर्चा है वो मैं आपको बता देता हूँ गाइस। 190 रुपये की MT की फ्रंट नंबर प्लेट की क्लिप आई थी, देन 200 रुपये में उसने नंबर प्लेट यहाँ से निकाल के और नीचे लगाने में विद कवर के साथ 200 रुपये लिए कंप्लीट। आगे पीछे की दोनों नंबर प्लेट को पहले खोला, फिर उसके बाद उसके दोनों कवर लगाए, कवर लगाने के बाद फिर उन्हें वापसी हैंग करा, इस चीज़ के टोटल 200 रुपये। तो जो मेरी जेब से खर्च हुए हैं वो पूरे 400 रुपये खर्च हुए हैं, 400 रुपये में मुझे मेरा मन चाही चीज़ मिल गई, जो हो नहीं सकती वो मैंने करा ली, क्योंकि ये चीज़ है ही नहीं पॉसिबल। मैं विराट मार्केट पर घूमता रहा, सबने बोला ये नहीं हो सकता ये नहीं हो सकता, लेकिन वो चीज़ हो गई गाइस। और इसी के साथ अब कुछ खा लेते हैं, भूख बहुत तेज़ लग रही है, फिर आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सो गाइस खाना खा लिया है और इस टाइम बज रहे हैं 2:30 बज चुके हैं, चलते हैं अब घर की तरफ। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, धूप बहुत तेज़ हो रही है, और निकलते हैं अब। इसी के साथ वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना, और ये सिस्टम आप भी करा सकते हैं, मेरा जुगाड़ कैसा लगा ये भी बताना। जा रहे हैं जुबेर भाई आगे अपनी NS200 पे, गर्मी बहुत ज़्यादा है गाइस, आज पूरा दिन इसी में लग गया। चलते हैं घर की तरफ, और वीडियो अच्छी होगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जितने लोगों के भी पास, जितने भी अपने भाई लोग, अपने फ्रेंड लोग जितने भी हैं जिनके पास FZS है या FZ है जिसमें नंबर प्लेट ऊपर लगती है, जो नीचे लगवाना चाहते हैं MT की तरह, वो मेरा वाला जुगाड़ अपना है, बहुत बेस्ट जुगाड़ है, इसमें कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, खर्चा भी बहुत कम है, 400 रुपये में कम्प्लीट सब कुछ हो जाएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब करो यार, सपोर्ट करो प्लीज़ गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। और जुबेर भाई भाई बोल रहे हैं, इनको अलविदा कह के अब हम चलते हैं सीधा। तो गाइस हम कहाँ पर थे, लोग देख के वीडियो चले जाते हैं यार, ज़्यादा लाइक्स भी नहीं करते, एंड व्यूज़ इतने मिलते हैं जितने सब्सक्राइबर नहीं होते। तो प्लीज़ गाइस एक बार अगर आप वीडियो वॉच करते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चले जाया करो, उस लाल वाले बटन को यार दबा दे करो यार, आपका क्या जाएगा, बस हमारी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है गाइस। सब्सक्राइबर जल्दी कंप्लीट करने हैं मेरे को, एक टारगेट है। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, वीडियो कैसी लगी आपको, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ साथ एक बार आपसे फिर मिलेंगे नए कंटेंट में, जब अपनी नेक्स्ट लेवल डीमन की एंड NS200 दोनों की मॉडिफिकेशन होगी।
और जल्दी मिलते हैं, आज की वीडियो को करते हैं यहीं ख़त्म, गर्मी बहुत ज़्यादा है, चलते हैं फटाफट से घर और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। सो बाय बाय गाइस।